सलाम व्यूअर्स, एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। लास्ट लेक्चर में हमने एंड्रॉयड की यूआई प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी, यानी यूआई के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। आज उसकी दूसरी क्लास है और एंड्रॉयड के कोर्स की पांचवी क्लास है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वालिफायर्स क्या होते हैं, एंड्रॉयड में क्वालिफायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट स्क्रीन्स को, डिफरेंट मोबाइल यानी एंड्रॉयड की डिवाइसेस को सपोर्ट किया जाता है। फिर उन डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनमें आगे से जो डिफरेंट स्क्रीन्स बन जाती हैं उसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं। एक ये है कि हमारे पास मोबाइल है, टैबलेट है, उन पे एक ऐप कैसे रन हो रही होती है। एक ये है कि दो मोबाइल्स हैं, दोनों मोबाइल्स ही हैं लेकिन उनके डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, उन पे कैसे हमारी ऐप जा रही होती है, उनको कैसे हम कैटर करते हैं। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी बकेट्स का, उसको देखेंगे। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल को देखेंगे, डिप या डीपी, और स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल एसपी को भी देखेंगे। और ये सारा कुछ देखेंगे किस तरह से, इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू जबान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो इंट्रो से पहले आपने ये चीज़ें देखी थी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन इंडिविजुअल चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिफायर्स के साथ। क्वालिफायर्स क्या होते हैं? क्वालिफायर एक इंडिकेटर होते हैं, ये बताएगा कि हमारी जो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है यानी उसकी सेटिंग्स हुई हुई हैं, उसके मुताबिक कौन सा रिसोर्स एंड्रॉयड ने सिलेक्ट करना है। और ये हेल्प करेगा एंड्रॉयड सिस्टम को कि वो सिलेक्ट करे कि कौन सा बेस्ट सूटेबल रिसोर्स है। मिसाल के तौर पर हमारे मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स हुई हुई हैं, चीज़ें जो कि आगे हम देखेंगे, कुछ सेटिंग्स हुई हुई हैं। उन सेटिंग्स को देखेगा एंड्रॉयड और फिर देखेगा कि यार इतनी सारी फाइल्स हैं, इनमें से कौन सी फाइल इस मोबाइल की सेटिंग्स के लिए इस ऐप को सबसे अच्छी लगेगी। जैसे तस्वीर है, मोबाइल की कुछ खास सेटिंग्स हैं, उसके मुताबिक ये दो तीन तस्वीरें हैं, इनमें से कौन सी सबसे अच्छी लगेगी। तो उसको हम अच्छा करने के लिए, एंड्रॉयड के सिस्टम को मदद देने के लिए, यहाँ पर उसको उसके लिए आसानी करने के लिए हम क्वालिफायर्स यूज़ करते हैं। और वो किस तरह से, उसके एक एग्जाम्पल भी देखते हैं कि उर्दू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, हम उर्दू की स्ट्रिंग्स को अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं एक ऐसे मोबाइल के अंदर कि जिसकी लैंग्वेज उर्दू सेट हुई हुई है, तो हम क्या कहते हैं एंड्रॉयड को बताते हैं, देखो जब उर्दू का मोबाइल में सेट हुआ होगा ना कीबोर्ड या लैंग्वेज, तो तुमने करना ये है कि उर्दू की स्ट्रिंग्स उठानी है। और उसका हम सिंटैक्स ये करेंगे कि रिसोर्स का नेम डैश क्वालिफायर, क्वालिफायर वो इंडिकेटर है, वो बताएगा कि इस फाइल को इस सेटिंग के वक्त उठाना है। जैसे उर्दू की बात की तो उर्दू में हम करेंगे कि वैल्यूज़ डैश यू आर, वैल्यूज़ का हमने फोल्डर देखा था पिछले लेक्चर्स में, हमने ये देखा था कि प्रोजेक्ट फाइल्स में वैल्यूज़ का भी एक फोल्डर होता है और उसके अंदर हम अपनी ऐसी वैल्यूज़ स्टोर करा देते हैं जो इनको हमें बार बार यूज़ करना होता है। तो हम स्ट्रिंग्स को भी उसमें स्टोर करा देते हैं, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। हम करेंगे ये कि वैल्यूज़ डैश यू आर फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हम स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल रखेंगे और उसके अंदर अपनी उर्दू की स्ट्रिंग्स रख देंगे। एंड्रॉयड खुद देखेगा कि अगर मोबाइल में उर्दू सिलेक्ट हुई हुई है लैंग्वेज, तो वो जाएगा और इसमें से उर्दू की स्ट्रिंग्स उठा लेगा। इसको ज़रा एक एग्जांपल से भी देखते हैं। तो जी मैं स्टार्ट करता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है जी, प्रोजेक्ट हमारा पूरा सेट हो गया। हमने अब करना ये है कि इस चीज़ को दिखाने के लिए कि क्वालिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं, एक डमी प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बन चुका हुआ है, इसके अंदर मैं जाऊंगा रेज के फोल्डर के अंदर, रेज में वैल्यूज़, और देखें यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल एक फाइल है ना, हमारी जो टेक्स्ट यूज़ होगा ऐप के अंदर वो इस स्ट्रिंग के अंदर, हम ये इस फाइल के अंदर स्टोर करवा देते हैं और फिर उसको बार बार हम रेफरेंस देंगे, हमें बार बार वो पूरी चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैं इतनी लंबी एक स्ट्रिंग कर दूँ और फिर सिर्फ मैं ऐप नेम रेफरेंस दे दूँ, तो वो इस पूरी स्ट्रिंग को खुद ही उठा लेगा उधर, इसको वापस असली हालत में ले जाते हैं। अब मैं वैल्यूज़ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर न्यू में जाऊँगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से एक क्वालिफायर के साथ एक और फाइल बनानी है। न्यू में गए, वैल्यूज़ रिसोर्स फाइल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक और फाइल चाहिए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ स्ट्रिंग्स, एक्सएमएल ये खुद उठा लेगा। और यहाँ पर देखें ये अवेलेबल क्वालिफायर्स आपको नज़र आ रहे हैं। हमें चाहिए लैंग्वेज उर्दू, तो ये लोकेल ये यहाँ पर इंडिकेट करता है कि कौन सा रीजन है, किस तरह की लैंग्वेज हमारी यूज़ होनी है। तो जी इसको मैं यहाँ पे
इधर जो आपको नज़र आ रहे हैं एरो, इस पर क्लिक किया बटन को, और यहाँ से मैं फिर लैंग्वेज को सर्च करूँगा। मुझे चाहिए उर्दू, तो मैं UR पे जाऊँगा और उर्दू। अच्छा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करें और टाइप करना शुरू कर दें। मैं उर्दू पे टाइप किया, मुझे उर्दू मिल गया और ये इधर सेलेक्ट हो चुका हुआ है, चूज़ एंड क्वालिफायर उर्दू आ गया। इसको मैं ओके करता हूँ तो देखें उसने strings.xml और ब्रैकेट में UR डाल दिया। हुआ असल में ये है कि इसको मैं अगर प्रोजेक्ट व्यू चेंज करूँ तो इस तरह से मेरी फाइल्स असल में पड़ी हुई मेरे हार्ड ड्राइव के ऊपर। ऐप मॉड्यूल में गया, सोर्स, मेन, रेज, और उसके अंदर देखें वैल्यूज़ का एक फोल्डर था जिसके आगे कोई क्वालिफायर नहीं था, और एक और वैल्यूज़ का फोल्डर बन गया जिसके आगे -UR उर्दू ये इंडिकेट करने वाला क्वालिफायर आ गया। इसके अंदर मेरी strings.xml फाइल ये वाली बनी हुई है कि जिसमें उर्दू की स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो चलें एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ मैं, दूसरी यहाँ पे ऐप नेम था तो मैं इसी को यहाँ पे भी कर देता हूँ ताकि हम ये देखें कि किस तरह से वो चेंज कर रहा होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी एप्लीकेशन, अगर स्पेलिंग गलत हुई तो माजरत। ये सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ पे भी एक है ऐप नेम, इधर भी एक ऐप नेम है। अब मैं रन करूँगा ना तो वो खुद देखेगा कि कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट हुई हुई है और उसके मुताबिक वो इधर से वो स्ट्रिंग उठाएगा, या तो वो इंग्लिश वाली उठा लेगा जो कि डिफ़ॉल्ट है, या वो उर्दू वाली उठा लेगा। तो जी एम्यूलेटर स्टार्ट हुआ हुआ, मैंने पहले से रखा हुआ था इसको स्टार्ट, ऐप का वेट करते हैं। तो जी ऐप आ गई, और ये देखें ये ऐप नेम है हमारा, क्लास 5 आया है क्योंकि अभी हमारी ये ऐप नेम ये है, क्लास 5 आया क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये है। अब मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ और इसमें मैं लैंग्वेज सर्च करूँगा, लैंग्वेज एंड इनपुट आ गया। इसके अंदर मैं जाऊँगा और लैंग्वेजेस में मैं उर्दू को सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस पहले से रखी हुई हैं, अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से उसको सर्च करें, और मसलन ये वाली लैंग्वेज है, इसको क्लिक किया ये इधर ऐड हो जाएगी, और जौन सी लैंग्वेज ऊपर होगी ऊपर करने के लिए आप इधर से ये बटन दबाएं, इसको क्लिक करें और इसे ड्रैग कर दें। अब मैंने उर्दू को ड्रैग कर दिया ऊपर तो उर्दू मेरी मेन लैंग्वेज अभी बन चुकी हुई है। देखें खुद ही एंड्रॉयड ने भी इसको चेंज कर दिया ज़ुबान ने। वापस आते हैं अपनी ऐप की तरफ, और मेरी ऐप जो अभी तक क्लास 5 देखें डिस्प्ले करा रही है, अभी तक वो APK से के लाइफ साइकिल के थ्रू, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के थ्रू होते हुए ये दोबारा से एक्टिविटी नहीं बनी। अब मेरी एक्टिविटी दोबारा बनी है और उसने मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, क्योंकि मेरी जो जो एम्यूलेटर है उसका भी, उसकी जो लैंग्वेज है वो उर्दू सेलेक्ट हुई हुई है, तो वो खुद देखेगा कभी उर्दू की स्ट्रिंग मैंने दिखानी है तो वो इसने इधर ये दिखा दी। क्वालिफायर्स बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको एक वहाँ पे एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी क्वालिफायर्स की, और उनकी प्रेसिडेंस भी वहीं पे मेंशन की हुई है कि किस तरह से किन किन क्वालिफायर्स को देख के वो कर सकते हैं। हम क्वालिफायर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर उर्दू है ना, मैं एक और बनाता हूँ, एंड्रॉयड की वेन में जाता हूँ, व्यू में जाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, या बल्कि इसको रहने देता हूँ, और एक और मैं करता हूँ यहाँ पर ऐड वैल्यू रिसोर्स फाइल, इसके अंदर मैं लोकेल भी डाल दूँगा, लोकेल उर्दू वाला। और मैं एक और चीज़ डालूँगा और वो ये है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मैं लैंडस्केप कर देता हूँ। मैं बता रहा हूँ इसको कि देखो जब लैंडस्केप होगा ना तब तुमने इस फोल्डर के अंदर से इस वाली फाइल को उठाना। तो जी ये बन गया, और इसमें भी मैं एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ऐप नेम, और इसमें मैं कह देता हूँ मेरी लैंडस्केप वाली एप्लीकेशन। थोड़ा सा अजीब हो गया लेकिन वो कर लेगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और देखें मोबाइल की ये हुई हुई है ना सेलेक्ट लैंग्वेज, अभी उर्दू सिर्फ है तो उसने मेरी एप्लीकेशन दिखाया। मैं इसको अगर रोटेट करूं, एक मिनट, यहां से
इसको ऑन किया और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो देखिए मेरी लैंडस्केप वाली एप्लीकेशन, अब उसने क्या किया, उसने दोबारा से ये रिसोर्स फाइल नहीं उठाई है। और वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो क्वालिफायर्स लगे हुए हैं, हम दो एक से ज़्यादा क्वालिफायर्स को भी जोड़ सकते हैं। वो देखेगा ये कि अच्छा उर्दू में दो हैं तो इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी मैच करती है, तो उसमें वही लैंडस्केप है तो वो लैंडस्केप को उठा लेगा। क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट हमारी पोर्ट्रेट होती है, पोर्ट्रेट से मुराद ये है कि इस तरह से स्क्रीन हो लंबी, लैंडस्केप ये वाली। तो देखिए वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है, तो हम एक से ज़्यादा क्वालिफायर्स को भी जोड़ सकते हैं। वापस आते हैं सपोर्टिंग डिफरेंट स्क्रीन्स, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऐप होती है, आमतौर पे हम एक ऐप बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो डिफरेंट डिवाइसेस पे, एंड्रॉयड की काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं, टैबलेट है, मोबाइल है, हमने शुरू की वीडियोज़ में देखा था कि और भी ज़्यादा हमें मिलती हैं चीज़ें, वॉचेस वगैरह, तो हम मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो एक ऐप बना के हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस पे जाए, जैसे कि एक मोबाइल है और उसी ऐप को हम टैबलेट पे भी रन करना चाहते हैं। तो हम मुख्तलिफ लेआउट्स यानी मुख्तलिफ स्क्रीन्स, ये जो पूरा आपको नज़र आ रही है, ये मुख्तलिफ देने के लिए हम तब भी क्वालिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। हम बता देंगे कि देखो अगर टैबलेट होगा ना तो तुमने ये वाली स्क्रीन पर जाना है, और वो क्वालिफायर की मदद से जैसे कि लेआउट डैश SW600 ये बताता है कि जो स्मॉलेस्ट विड्थ होगी ना, यानी कि जिस डिवाइस की विड्थ 600 से ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि 600 हो, 600 से ज़्यादा है, तो उस डिवाइस में तुमने इस फोल्डर के अंदर आना है लेआउट डैश SW600 और इसके अंदर से फाइल्स उठानी है, जो जो फाइल यहाँ पे दी होगी। इसको भी एग्जांपल में देखते हैं। तो जी मैं आ गया हूँ यहाँ पर, मैं इसमें अभी मेरे पास टैबलेट यहाँ पर चूँकि नहीं है तो मैं इसको रन करके नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन मैं आपको बनाना ज़रूर दिखा देता हूँ। वैल्यूज़ में गया मैं, लेआउट्स देखिए, ये हमारा मेन लेआउट है, जब तब आएगा बाय डिफ़ॉल्ट कि जब कोई और हमने क्वालिफायर के साथ ना दिया हो। मैं न्यू में जाता हूँ, लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसको कह देता हूँ कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, और यहाँ से मैंने सर्च किया स्क्रीन विड्थ, और इधर मैंने स्क्रीन विड्थ दे दी 600। अब वो करेगा ये, एक मिनट, ये दूसरी वाली आ गई है, ये W600 और SW600 थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बताता है कि 600 वाली विड्थ पे ये आएगा जिसकी DP होगी 600 DP, और स्मॉलेस्ट स्क्रीन विड्थ बताएगा कि 600 या उससे ज़्यादा। तो ये 600 सेलेक्ट कर दिया, इसको ओके किया। अब ये वाला जो लेआउट है ना, जो मिसाल के तौर पे इस पे ये चीज़ें भी मैं कुछ लगा देता हूँ, और ये वाला लेआउट कब आएगा कि जब हमारे पास टैबलेट का मोड होगा, टैबलेट हमारे पास होगा, यानी या कोई ऐसी स्क्रीन हो कि जिसमें हमारे पास जो हमारी विड्थ होगी वो 600 DP या उससे ज़्यादा होगी। ये देखें उसने खुद ही यहाँ पर जो इसमें डिज़ाइन का पेन है उसमें एक बार है, ये आपको दिखा रही है कि इस वक्त किस तरह की हमारी सिलेक्ट हुई हुई है डिवाइस, यानी कौन सी सिलेक्ट हुई हुई है, 7 inches से ज़्यादा उसने सिलेक्ट किया हुआ ये टैबलेट वाला सेक्शन। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा ये तो बात होगी मुख्तलिफ डिवाइसेस की, अगर एक ही डिवाइस है यानी डिवाइस की टाइप एक है जैसे मोबाइल, उसमें लेकिन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन डिफरेंट है, जैसे अभी हमने देखा तो उसमें भी देखा था ना आपने कि एक लैंडस्केप है, एक लैंडस्केप है और एक पोर्ट्रेट है, डिफरेंट उसके मोड्स हैं ओरिएंटेशन के, लेकिन मोबाइल एक ही है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि तब भी क्वालिफायर यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट ओरिएंटेशन के मुताबिक ऐप रिसोर्सेज उस वो वाले उठा लेता है, जिस तरह से पिछली एग्जांपल में देखा था। हम यहाँ पे लेआउट डैश लैंड कर देंगे, हमने अभी वैल्यूज़ पे बात की थी, वैल्यूज़ को डैश लैंड किया था यानी लैंडस्केप दिया था क्वालिफायर, वो मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से कि ये देखें यू आर डैश लैंड, ये उर्दू में भी जाएगा और फिर उर्दू के साथ जो लैंडस्केप होगा उसके लिए इधर आएगा। तो लेआउट के लिए जब हमने करना हो कि हम पूरी एक्टिविटी की स्क्रीन ही डिफरेंट दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उसके अंदर की स्ट्रिंग्स नहीं, पूरी स्क्रीन, यानी कि ये जो आपको सारा कुछ नज़र आ रही है सारा कुछ हम एक अलग से चाहते हैं कि अगर वो लैंडस्केप में हो तो हम डैश लैंड कर देंगे लेआउट के साथ। अच्छा अब सपोर्टिंग डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, ये तो हमने बात की कि मुख्तलिफ डिवाइस की टाइप्स मोबाइल टैबलेट,
और डिवाइस में उसकी ओरिएंटेशन। अब मोबाइल में जो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस आ जाते हैं उसमें हम कैसे देखेंगे, यानी डिफरेंट फोन्स के डिफरेंट पिक्सल्स पर इंच होते हैं। जैसे कि ये तस्वीर देखें, इसमें जो ये वाला फ़ोन है इसकी रेजोल्यूशन कम है क्योंकि इसमें इस एरिया में देखें कम पॉइंट्स है। पिक्सल कहते हैं पॉइंट को, और एक एरिया में जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा उस मोबाइल की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, उसकी अच्छी होती है। तो ये देखें, इसमें एक एरिया में कम पॉइंट्स हैं, ये देखें इतना एरिया सिर्फ एक पॉइंट है, जबकि इसके मुकाबले में यहाँ पर देखें ये इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर ए दोनों की क्वालिटी आपको डिफरेंट नज़र आ रही है ना, ये हम कहते हैं कि पिक्सल फट गए हैं। यहाँ पर पिक्सल फटने से मुराद ये है कि पिक्सल वो इतने कम उसके पास हैं एक जगह पे कि उसको डिस्प्ले कराना मुश्किल हो रहा है कि मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ। तो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हमारे पास होते हैं। अब एक मोबाइल ऐसा है, अब ये खामी नहीं है, एक मोबाइल की वो रेजोल्यूशन ही कम है, उसको यूज़ ही उतने कम के लिए बनाया गया है, तो हमने उस मोबाइल के मुताबिक एक तस्वीर डिस्प्ले करानी है। अगर मैं एक हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की तस्वीर एक छोटे मोबाइल पर जैसे इस पर डिस्प्ले कराऊंगा तो उसको वो डिस्प्ले कराने में मुश्किल होगी, और अगर मैं एक लो क्वालिटी तस्वीर को इसके ऊपर डिस्प्ले कराऊंगा तो यहाँ पे वो बिल्कुल छोटी सी नज़र आएगी या पिक्सल उसके फट जाएंगे। तो फिर अप्रोप्रिएट इमेज या रिसोर्स कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, कैसे एंड्रॉयड सिलेक्ट करेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर डिस्प्ले करानी है, किस स्क्रीन साइज़ के लिए कौन सी चीज़ दिखानी है, तो फिर यहाँ से हम क्वालिफायर्स यूज़ करेंगे। क्वालिफायर्स आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगे। आपको जो मसले आ रहे हैं इस तरह के, आपने डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी देखनी है, आप क्वालिफायर्स में सर्च करें, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। तो एंड्रॉयड हमारे यहाँ पर डेंसिटी बकेट्स प्रोवाइड करता है। डेंसिटी बकेट्स यानी डेंसिटी क्लासेस, कुछ खास ख़ानदान बने हुए डेंसिटीज़ के यानी रेजोल्यूशन के, उन ख़ानदानों में हम मुख्तलिफ मोबाइल्स को रख देते हैं, और मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है वो अगर एक ख़ास ख़ानदान के मुताबिक आ रही है तो वो उस ख़ानदान से होगा, और उसकी जो तस्वीरें हैं वो उस डेंसिटी बकेट या उस ख़ानदान वाली तस्वीरों में से निकल के आएंगी। इसको आगे और भी देखते हैं कि हम फिर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट रिसोर्स फॉर डिफरेंट डेंसिटी बकेट। हर ख़ानदान के लिए, हर डेंसिटी बकेट के लिए, क्लास के लिए हम एक मुख्तलिफ रिसोर्स यानी इमेज वगैरह या एसेट अपना प्रोवाइड कर देते हैं, और कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारी मोबाइल तुम इस ख़ानदान से हो तो तुमने ये वाली चीज़ उठानी है, अगर उससे हो तो तुमने उसकी अंदर से ये चीज़ उठानी है। तो हमारे पास जो स्क्रीन साइजेस में आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट डेंसिटी बकेट्स, वो ये हैं LDPI। ये अब ये था, लेकिन जो मेन अभी जो लाइन यहाँ से ड्रॉ होती है कि ये हमारी एक स्टार्ट है, इससे आगे हम देखें कि इसके मुकाबले में क्या है, तो वो MDPI से स्टार्ट होती है। HDPI, XHDPI और ये इस तरह से। NoDPI का मतलब ये है कि इसमें कोई DPI की कैद नहीं है, जो कुछ भी होगा वो इधर से उठा लेगा। और TV DPI, ये TV से रिलेटेड है, उसकी भी कुछ खास चीज़ें आती हैं। हमारा पाला आमतौर पे MDPI से लेकर XXXHDPI तक पड़ रहा होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपका वो अफेक्ट नहीं होगा तो आप NoDPI के अंदर भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। तो हम करते ये हैं कि हर एक बकेट के लिए उसका रिसोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि मिप मैप की अगर एग्जांपल लें तो मिप मैप का जो फोल्डर आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, MDPI, HDPI, XHDPI, ये सारा कुछ। तो वो हो ये रहा होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने ख़ुद हमें बताया कि देखो मुख्तलिफ मोबाइल्स पे मुख्तलिफ रेजोल्यूशन हो सकती है, तो तुम हर एक के लिए एक अलग लॉन्चर आइकन देना। मिप मैप लॉन्चर आइकन कहते हैं वो आइकन के जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी ऐप ओपन हो जाती है। एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में जाते हैं तो देखें यहाँ पर वैल्यूज़ मिप मैप के फोल्डर के अंदर IC लॉन्चर, ये HDPI, MDPI, XHDPI, ये सारे इतने सारे पड़े हुए हैं। इन सब को रखने का मकसद ये है कि जिस मोबाइल की जिस तरह का मोबाइल होगा उसके मुताबिक इसने डिस्प्ले करा देने। तो ये डेंसिटी बकेट है, यानी कि एक डेंसिटी का खास ख़ानदान है, उस रेजोल्यूशन वाले ख़ानदान के मुतालिक के मुताबिक हम अपनी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, यानी अपनी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। एंड्रॉयड की हम इस तरह से मदद करेंगे। और इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी हमने बात भी की है कि हम 5 लॉन्चर आइकन्स बनाएंगे। लॉन्चर आइकन वही है कि जिस पे क्लिक करते हैं और हमारी ऐप ओपन हो जाती है। तो एक MDPI के लिए, एक HDPI के लिए, इसी तरह से 3 और इन सब के लिए उनकी रेजोल्यूशन यहाँ पे दी गई है कि 48x48, 72x72 और इस तरह से। फिर हम करेंगे ये कि इनको 5 अलग अलग फोल्डर्स में रख देंगे।
मिपमैप एक्स ट्रिपल एक्स एच डी पी आई और ये सारा, और फिर एंड्रॉयड खुद देखेगा कि अभी मोबाइल की कौन सी वाली डेंसिटी बकेट है, उसमें से वो उसके मुताबिक वाला लॉन्चर आइकन उठा लेगा। जैसे कि हम शुरू में बात हुई थी कि प्रोजेक्ट का व्यू में अगर जाएं तो ये देखें मिपमैप के कितने सारे फोल्डर्स बने हुए हैं और हर एक के अंदर आपको ये दो दो एक एक फाइल नज़र आ रही होगी। वो हो ये रहा होता है कि एंड्रॉयड फोल्डर की बेस पे डिफरेंशिएट करता है, हर फाइल के आगे क्वालिफायर नहीं लगाएगा, वो फोल्डर बनाएगा और फोल्डर के अंदर उसके मुताबिक फाइल्स रख देगा, फिर जब ऐप मोबाइल पे रन हो रही होगी तो वो उसके मुताबिक यहाँ से रिसोर्स उठा लेगा। अच्छा आप समझेंगे कि ये तो बड़ा सरदर्द है, इतनी सारी पे फाइल्स बनाओ, तो इसका हल लोगों ने किया हुआ है ऑनलाइन एसेट जनरेटर। आप एसेट जनरेटर यानी कि ऑनलाइन एक यूटिलिटी यूज़ कर लें, वो आपको सारी तस्वीरें बना के दे देगा। जैसे कि ये इमेज बाक, ये बेकर से स्टैंड करता है .in, इस वेबसाइट पे मैं आपको जाके भी दिखाता हूँ। तो मैं इस वेबसाइट पे आ गया और ये देखें इमेज बेकर इस वेबसाइट का नाम है। ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं मुझे उनकी वेबसाइट अच्छी लगी इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप योर इमेजेस हियर फॉर कुकिंग लिखा हुआ है, तो जी इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इस हाथ को ये उठा लिया जो इमेज है। अच्छा अब करना ये है कि हमने जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज दे सकते हैं ना वो उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज यहाँ पे अपलोड कर दें। ड्रॉप योर इमेज इन द पेन फॉर कुकिंग द एसेट्स, हम जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज देंगे उतना वो खुद उसको आसानी होगी स्केलिंग करने में। तो ये मैंने एक अच्छी क्वालिटी की इमेज दी है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा कि मुझे एंड्रॉयड के लिए चाहिए या iOS के लिए। हम एंड्रॉयड पर काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड पर क्लिक किया और इसने ये डाउनलोड कर दी, जिप के अंदर उसने डाउनलोड कर दिया। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको मैंने कट किया और आज की जो क्लास है उसके फोल्डर में प्लेस कर दिया। ये पहले की पड़ी हुई है, मैं इसमें से दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करता हूँ ओपन और ये अंदर गया और ये देखें रेज, और रेज के अंदर उसने खुद बना दिया कि ड्रॉएबल तस्वीर थी ना, तो उसने देखा कि ड्रॉएबल है तो उसने खुद ड्रॉएबल के फोल्डर बना दिए हैं और हर फोल्डर के अंदर उसके मुताबिक फाइल है। और इसको मैं अगर एक्सट्रैक्ट करूँ सबको, या इसे बैग जाते हैं रेज को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिएगा हर जो फाइल है उसकी रेजोल्यूशन भी डिफरेंट है। इसकी रेजोल्यूशन है 418x337 और MDPI देख लेते हैं, इसकी रेजोल्यूशन है 279x225, डिफरेंट है। फिर ट्रिपल एक्स की सबसे अच्छी होनी चाहिए और वो है भी 1114x899, ये सबसे हाई क्वालिटी इमेज है क्योंकि ये ट्रिपल एक्स HDPI में आ गया। सबसे लो क्वालिटी LDPI है और वो देखें वो इतनी छोटी सी है। सारा कुछ खुद कर दिया, अब हमें करना ही है कि इन फोल्डर्स को ट्रैक करें या जैसे फाइल्स उठाएं। तो जी हम करेंगे क्या, इन सब फाइल्स को सिलेक्ट किया और मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड, इधर से मैं इस फोल्डर को ओपन करना चाह रहा हूँ कि ड्रॉएबल कहाँ पड़े हुए हैं। राइट क्लिक किया ओपन, यहाँ पर शो इन एक्सप्लोरर होगा, शो इन एक्सप्लोरर, ये उसने दिखा दिया रेज और ये यहाँ पर मैंने जो ये सारे फोल्डर्स हैं ना इनको मैं सबको कॉपी ड्रैग कर लिया और यहाँ पर मैं इनको प्लेस कर दूंगा। अब एंड्रॉयड का खुद यहाँ से देख लेगा कि कौन सी फाइल्स कैसे आनी है। अच्छा अब यहाँ मसला इस वजह से आ रहा है कि ये जो नाम है ना ये ऐसे हैं कि एंड्रॉयड इनको रिकग्नाइज नहीं करता, ये नंबर्स नहीं आ सकते, तो वो इस वजह से थोड़ा सा शायद आपको डिस्प्ले कराने में यानी कि इमेज व्यू में इसको सिलेक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो इसको एक को मैं रीनेम करके दिखा देता हूँ कि आपने जाना है कोई भी फाइल ओपन करें और उसमें ये रीनेम कर दें, नंबर नहीं आने चाहिए, नंबर से थोड़ा मसला होता है इसको। अब इस ये कोई मसला नहीं करेगा, ये देखें इसने कंप्यूटर सीधा उठा लिया। ये बाकी फाइल्स के साथ भी कर लीजिएगा यहाँ पे ड्रैग करने से पहले, या फिर इमेज जो फाइल है उसका नाम ही इस तरह से रखें। तो वापस आते हैं लेक्चर की तरफ, लास्ट चीज़ हमारी रह गई डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल DP। ये DP और SP ये होते क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिट्स हैं यानी असल में ये एग्जिस्ट नहीं करते, असल में हमारे पास पिक्सल होते हैं, इंच होते हैं, उसके बिना पर हम जो एंड्रॉयड है वो डिस्प्ले करा रहा होता है किसी भी चीज़ को। एंड्रॉयड ने ये किया कि देखो मुख्तलिफ पिक्सल थे ना, हमने देखा कि एक स्क्रीन है जिसकी अच्छे सारी पिक्सल क्वालिटी है और एक स्क्रीन है जिसकी पिक्सल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एंड्रॉयड ने कहा कि मैं दोनों को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा दूँ, अगर किसी की पिक्सल क्वालिटी अच्छी है
तो उसके मुताबिक मैं उसको डिस्प्ले करके दिखाऊं, अगर किसी की बुरी है तो उसके मुताबिक उसको भी थोड़ा बहुत ठीक करके दे दूं ना। तो एंड्रॉइड ने डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल बना लिया, डिप डीपी, और इसकी मदद से हम करते ये हैं कि एक्चुअल पिक्सल जो डेंसिटी है उसके साथ ही मुताबकत कर लेते हैं, यानी कि डीपी अगर इतना होगा तो असल में जो मोबाइल के पिक्सल है ना उसके मुताबिक इतना हो जाएगा। जैसे कि अगर हम डीपी यूज़ ना करें तो देखें ये डीपी के बगैर है, तो एक लो रेजोल्यूशन वाला जो मोबाइल है उस पे 4 पिक्सल्स ऐसे आएंगे। मैं एक इमेज मसलन डिस्प्ले कराता हूँ, उसको मैं कह देता हूँ कि 2x2 पिक्सल, तो वो इतनी जगह लेगा। इसके बरअक्स अगर एक मीडियम क्वालिटी वाला फ़ोन आ जाए और उस पे मैं कहूँ कि देखो 2x2 पिक्सल्स, तो वो इतनी सी जगह लेगा, इसके मुताबिक इसके मुकाबले में छोटी होगी। और अगर एक हाई रेजोल्यूशन वाला फ़ोन आ जाए उसमें इतने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इस एक छोटी सी जगह पे, तो वो उससे भी कम जगह लेगा, क्योंकि हमने कहा कि देखो पिक्सल देखने हैं और जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना उस पे तुमने डिस्प्ले कराना है। तो जी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डीपी हुआ, और डीपी ने क्या किया, उसने ये चीज़ को ठीक किया। कैसे? उसने कहा कि देखो अगर मैं ये 2DP करता हूँ, तो उसने ये सिलेक्ट कर लिया 2x2 DP, 2 DP ऐसे। और ये अभी मैं थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल पे जाके दिखा रहा हूँ, असल वो देखेंगे कि यहाँ पे DP कितना बनता है। तो मिसाल के तौर पर उसने कहा कि ये 2DP इतना है, ये 2DP इतना है, तो छोटे मोबाइल जिसकी लो रेजोल्यूशन होगी उस पे मैंने इतना डिस्प्ले कराना है, इतने एरिया पे मैंने अपनी चीज़ को घेरना है, इतनी जगह मेरी जो रिसोर्स है तस्वीर है उसने घेरनी है। मीडियम क्वालिटी वाला अगर फ़ोन होगा तो उस पे इतनी जगह घेरेगा, उस पे देखिए पिक्सल ज़्यादा हो गए हैं लेकिन DP हमारे उतना ही रहेगा। और हाई वाली पे आ जाते हैं तो उसने और ज़्यादा पिक्सल्स घेर लिए, जगह उतनी रही, और उसने अच्छे से डिस्प्ले करा दिया हमारी उस रिसोर्स को, जबकि हमने एक ही रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस हैं, तो वो उसको खुद ही स्केल करता जाएगा। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। वापस आए हम प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर मैं लेआउट्स में जाता हूँ, एक्टिविटी मेन, और जी यहाँ पर एक इमेज व्यू ड्रैग कर लेता हूँ। इस इमेज व्यू को मैं सेट कर देता हूँ कि देखो कंप्यूटर और ये। अच्छा, आप कंप्यूटर के जो आप देखें यहाँ पर लेआउट विड्थ वो सेट हुई है रैप कंटेंट, यानी कि जितनी वो जितनी जगह ये घेर सकता है उतनी जगह घेर लेगा। मैं इसको कह देता हूँ कि भाई 50 DP, तो जी उसने देखे 50 DP इतना बनता है उसका, ठीक है। अगर मैं इसको पिक्सल कह दूं, ये मोबाइल पिक्सल 3A है और इसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन ज़रा अच्छी है, तो पिक्सल देखें कितना और छोटा हो गया। अगर हम इसको ऐप में चलाएंगे, यानी कि अपने मोबाइल में असल कोई आप ऐप में पिक्सल्स वाली सारी सेटिंग्स करके डाल देंगे, तो आपकी जो मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं उन पर यह चीज़ ऐसे मसला करेगी, जिसकी रेजोल्यूशन कम होगी उस पर यह चीज़ बड़ी नज़र आएगी, और जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उस पर यह चीज़ बहुत छोटी नज़र आएगी। तो हम करते ही हैं कि 50 DP, और तकरीबन हर मोबाइल पर इंडिपेंडेंट ऑफ पिक्सल क्वालिटी जो ये तस्वीर नज़र आएगी वो इसी तरह की नज़र आएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है लेकिन वो इतना नोटिसेबल नहीं होता कि जितना पिक्सल और डीपी में फ़र्क आ रहा था। तो हम यही कर रहे होते हैं, एक स्केलेबल रिलेशन बनाते हैं एक एक्चुअल स्क्रीन डेंसिटी और रिसोर्स साइज के दरमियान। अच्छा, SP रह गया हमारा। SP बिल्कुल वही काम कर रहा होता है जो DP का है, यानी उसने भी इसी तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिट है। इसका सिर्फ फ़र्क ही आता है कि ये टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि DP आमतौर पे इमेजेस और उससे उसके मुताबिक जो चीज़ें होती है मार्जिन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। SP का फ़ायदा ये है कि ये फॉन्ट प्रेफरेंस भी देख रहा होता है कंसिडरेशन में, यानी कि रख रहा होता है कि जो यूज़र ने अपने मोबाइल में जो फॉन्ट साइज सेलेक्ट किया हुआ है वो कैसा है। अगर तो बड़ा है तो SP उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसको भी ज़रा देखते हैं कि अगर मैं इधर एक टेक्स्ट व्यू डालूं ऐप में, और इसको सेट भी कर देते हैं इसकी मार्जिन्स, ठीक है। अब मैं इसमें टेक्स्ट अपना कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। और अब मैं इसका साइज़ इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं इसका साइज़ अभी 14 SP है, 14 स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, इसको मैं अगर कर देता हूँ 20 SP, तो देखें ये बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, जैसे DP और पिक्सल वाला फ़र्क आ रहा था वही फ़र्क पर यहाँ पर भी आएगा। हमारा जो DP और हमारी जो ऐप है उसने ये पिक्सल के ऊपर जाएगा, और पिक्सल पे क्योंकि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है मोबाइल की, तो पिक्सल क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एक छोटे से एरिया में, तो वो इतनी से उसके साइज़ आ जाएगा।
सिर्फ इतना सा उसका साइज होगा। तो प्रैक्टिस यही है कि इमेजेस जहाँ पे भी हों, मार्जिन्स हों, वहाँ पे आप डीपी यूज़ करें, और जहाँ पर भी टेक्स्ट हो वहाँ पे एसपी यूज़ करें। पिक्सल्स पे कभी कोड ना कीजिएगा, वो आपको मसला करेगा। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस पूरे डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे ये जगह खाली इस वजह से आ रही है क्योंकि अभी तक की वीडियो अपलोड नहीं हुई। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पे उसका भी लिंक आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एडिशनल रेफरेंसेस दिए हैं, आप जो भी टॉपिक्स हैं उन पर जाके देख सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। स्लाइड्स सारे लेक्चर्स की जो जो भी बन रही हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी जो फोल्डर है पूरा इस कोर्स का फोल्डर आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है क्लासेस के मुताबिक, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको जितना आसान हो कर सकते हैं उतना आसान करके सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं लोग वो इसकी फीस ले रहे होते हैं, हम आपको फ्री में करा रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी के साथ करा रहे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।